स्वागत है दोस्तों अनवर एसपी बोलेरो पिकअप रिस्टोरेशन एंड मॉडिफाई में। आज की जो गाड़ी होने वाली है वो 2013 का मैक्सी ट्रक गाड़ी है। गाड़ी हमारे पास भावनगर गुजरात से आई हुई थी। आज गाड़ी पूरा रेडी हो चुका है, तो आपको इस गाड़ी का पूरा मैं वॉकराउंड देने वाला हूँ। अगर आपको काम हमारा दिल से अच्छा लगे तो भाई कॉमेंट करके जरूर बताना, मैं एक ही कॉमेंट पढ़ता हूँ और कॉमेंट को लाइक भी जरूर करता हूँ। दोस्तों इसी के साथ अगर आपके पास कोई भी ऐसी पुरानी पिकअप है आप रिपेयर करवाना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्प्ले पर मिल रहे हैं। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, पहले करते हैं वीडियो को स्टार्ट और वीडियो में आप देखो कि कैसा काम हमने किया है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये रहा गाड़ी 2013 का, और इस गाड़ी को हमने जो पूरा केबिन आगे का वो रिस्टोरेशन किया हुआ, यानी कि रिपेयरिंग किया हुआ है। इसमें बहुत ज़्यादा जंग वगैरह लग चुकी थी। इसकी जो डेटा थी मेरे पास जब ये गाड़ी हमारे पास आई थी उसकी, और अभी तक की मेरे पास डेटा है नहीं। आज ये गाड़ी फाइनली कम्प्लीट हो चुका है, तभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। आज आपको मैं इस गाड़ी का पूरा वॉकराउंड दूंगा, किस तरह से पूरा काम हुआ है इस गाड़ी में, आगे से गाड़ी कैसी बनी हुई है ये भी आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो आगे का जो केबिन है उसमें हमने थोड़ा सा मॉडिफाइड किया हुआ है। ये जो आपको सामने जो ग्रिल दिख रही है ये टैब 3 की ग्रिल है, लाइट भी टैब 3 का है, और बम्पर टैब 2 का हमने डाला हुआ है क्योंकि इस लुक में गाड़ी ज़्यादा अच्छी दिखती है, इसलिए हमने पूरा इसमें आगे से काम किया हुआ है। पहले ये टैब 2 में गाड़ी था, और अंदर से आपको दिखाऊँ तो ये रूट्स के दो हॉर्न लगे हुए हैं जो ज़बरदस्त साउंड के साथ आते हैं, और ये टैब 3 वाला पूरा जारी लगा हुआ है। लुमेक्स की ओरिजिनल हेडलाइट है वो हमने दोनों साइड इंस्टॉल की हुई है। यहाँ पर टैब 2 का पूरा बम्पर लगा हुआ है, यहाँ पर रिफ्लेक्टर और अलग से स्क्रू लगा हुए हैं ताकि जल्दी से निकले नहीं तो ये जल्दी निकल जाता है, तो इसमें अलग से स्क्रू लगा के पूरा हमने फिटिंग किया हुआ है। और पूरा बम्पर देखो, अभी हमने इस गाड़ी में नंबर प्लेट अभी नहीं लगाई है, कस्टमर चाहते हैं इसको नया नंबर प्लेट आया तो जब गाड़ी लेने के लिए आएँगे तभी इस पर नंबर प्लेट लगेगा नया वाला। और ये रिबिन वगैरह भी हमने लगाई हुई है क्योंकि इतना काम किया है तो रिबिन लगाना भी ज़रूरी है ताकि गाड़ी बिल्कुल नई लगे, इसीलिए लगाया हुआ है। यहाँ पर जो आपको लाइट दिख रही है ये मिंडा की लाइट है, और साइड इंडिकेटर है। यहाँ पर आपको ओरिजिनल बोलेरो मैक्सी ट्रक का स्टिकर मिलेगा, यहाँ पर आपको पावर स्टीयरिंग का स्टिकर मिलेगा, यहाँ पर जो ये जो मिरर लगा हुआ है ये लुमेक्स का ओरिजिनल यहाँ पर मिरर लगा हुआ है। इसी के साथ यहाँ पर जो आपको गार्निश दिख रही है ये भी एकदम क्वालिटी वाली डली गई है, सी साइज गाड़ी का जो पहले था वही है। और यहाँ पर जो हैंडल दिख रहा है ये भी नया है, पर आपको लॉक भी नया मिलेगा। लॉक का सिस्टम पूरा हम नया डालते हैं पूरी गाड़ी में, और पीछे का लॉक और ये लॉक और यो लॉक सब एक ही चाबी की लगती है सब में, और इसी तरह से पूरा गाड़ी हम तैयार करते हैं। यहाँ पर जो आपको पैरदान दिख रहा है ये भी हमने चेंज किया हुआ है, पहले था वो ख़राब था, और पूरी गाड़ी तैयार हुई है तो पैरदान भी हमने पूरा तैयार किया हुआ है। और इसी के साथ आपको अंदर भी दिखाऊँगा, यहाँ पर जो आपको पिलर जारी दिख रही है वो भी हमने नई इंस्टॉल की हुई है। हम गाड़ी जो बनाते हैं उसमें जो भी फिटिंग रहती है वो सब फिटिंग हम नई इंस्टॉल करते हैं। बात करते हैं पेंट की, जो इस गाड़ी में पेंट किया हुआ है वो भी अच्छी क्वालिटी का हमने प्यू पेंट किया हुआ है, और चमक वगैरह भी आप देख सकते हो कैसा लग रहा है वो आप जरूर बताएं कमेंट करके। और एकदम मतलब कि आपको ऐसा लगेगा कि कंपनी वाला कलर हमने इसमें किया हुआ, आपको अगर चमक इसमें दिखती हो तो। और आपको मैं चमक वगैरह दिखाऊँ तो देखो इसमें शाइनिंग वगैरह बहुत अच्छी आई हुई है, और अच्छी क्वालिटी का हमने इस पर पेंट यूज़ किया हुआ है। आगे से भी आपको मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि पेंट का क्वालिटी है वो कैसा है, मतलब कि जो कंपनी सील वगैरह देती है वो सील वगैरह सब हम बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि गाड़ी आपको ऐसे लगेगा नहीं कि ये बना हुआ गाड़ी है, यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा, अगर ये सील नहीं होता है तभी गाड़ी बनी हुई लगती है, लेकिन हमारे पास जो भी गाड़ी आती है उसमें अच्छी तरह से हम काम करते हैं, और ये सील वगैरह सब हम बना के जो उस साइड में था वही इस साइड में आपको इंडिकेटर मिलेगा। यहाँ पर मैक्सी ट्रक का लोगो, यहाँ पर पावर स्टीयरिंग का लोगो, लुमेक्स का आपको साइड मिरर मिलेगा, ये सब कुछ मतलब कि आपको मैंने बताया कि सब इसमें जो सामान लगा हुआ है वो अच्छी क्वालिटी का और नया लगा हुआ है। इस गाड़ी का जो आगे का शीशा है वो हमने पुराना लगाया हुआ है क्योंकि ज़्यादातर शीशे होते हैं वो पुराने ही लगते हैं क्योंकि ये ख़राब जल्दी से होते नहीं है। इसमें जो वाइपर दोनों है वो नया सेट लगा हुआ है, और इसी तरह से पूरा ये गाड़ी आगे से दिख रहा है आपको। देखो आगे भी हमने व्हील कैप इसमें इंस्टॉल किए हुए जो कंपनी देती है उसी तरह से, तो आगे से लुक कैसा लग रहा है ये कमेंट करके जरूर बताना। अंदर से केबिन किस तरह से, तो ये भी देखो, और यहाँ पर जो आपको गत्ता दिख रहा है ये भी ओरिजिनल गत्ता हमने इंस्टॉलेशन किया हुआ है। और गाड़ी में जो भी फिटिंग रहती है रबड़ वगैरह की वो पूरी हम नई डालते हैं, जैसे कि जो आपको बॉडी रबड़ दिखती है ये भी नया है, यहाँ पर लॉक है वो भी नया इंस्टॉलेशन किया हुआ है, ये सब कुछ हमने नया ही इंस्टॉल किया हुआ है। ये गार्निश पट्टी इंस्टॉलेशन नई की हुई है, इसी के साथ ये भी रबड़ दिख रहा है ये भी नया है बिल्कुल, और यहाँ पर स्टॉप पट्टी भी नई लगा के दी है, और ये जो स्टिकर जो आपको दिख रहा है ये कंपनी पहले लगा के देती थी, अभी भी शायद किसी गाड़ियों में आता है, तो वो सब कुछ हमने कंपनी जैसा हम काम आपको करके दे सकते हैं। ऐसी पूरी हम कोशिश करते हैं कि अंदर बाहर से पूरी गाड़ी कंपनी जैसी लगे, और गाड़ी में जो सीट कवर जो लगे हुए हैं वो कस्टमर की
हिसाब से हमने पूरा रेडी करवाया जैसे कस्टमर चाहते थे उसी हिसाब से। और यहाँ पर जो डैशबोर्ड है वो आपको मिलेगा कलर हुआ, क्योंकि ये पुराना डैशबोर्ड है तो इसको हमने पूरा रिपेंटिंग की करके तैयार किया हुआ है। और पूरा अंदर का जो हुड है वो भी बिल्कुल नया हुड हम लगा के दिया है। अंदर एक लाइट ब्लू और वाइट भी जलती है। और ये स्टिकर पहले डैशबोर्ड में भी आता था, अभी भी आता है, लेकिन कई गाड़ियों में डोर पे आता है, तो उसी तरह से हमने इस पर डोर पे लगा हुआ है। और इसी तरह से पूरा अंदर है केबिन हमने तैयार किया हुआ है कस्टमर की चॉइस के हिसाब से, नया हमने लगाया हुआ है, क्योंकि जब अच्छा काम होता होगा तो ये भी हम नया लगा के देते हैं। लेकिन पुराने में क्या होता है, चलता है, ऐसा नहीं है चलता है, लेकिन इसमें चाल आ जाती है तो वो डोर आवाज़ करता है, तो ये भी हम नया लगा के देते हैं ताकि केबिन है वो गाड़ी जब चले खड्डे में पड़े तो आवाज़ नहीं आना चाहिए, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हर चीज़ अच्छी तरह से हो। तो ये पूरा गाड़ी का काम हुआ है और पूरी केबिन आपने देखी, और आपको आगे सिनेमेटिक शॉट भी दिखाऊंगा। इसी के साथ साथ हम इंजन में भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो हमने थोड़ा सा पेंट करके मॉडिफाइड किया हुआ है, क्योंकि पूरा गाड़ी अगर रजिस्ट्रेशन हो रहा है और पूरा कोई देखने वाला देखेगा तो अगर बोनट खोलेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि यार अंदर से तो पुराना गाड़ी। सफाई के साथ काम किया हुआ है देखो। और ये इंजन का पूरा डिपार्टमेंट है, इसको थोड़ा सा हमने मैट ब्लैक और सिल्वर में पेंट करके इसको पूरा रेडी किया हुआ है। एकदम मस्त लग रहा है, आपको ऐसा ही लगेगा कि ये नया इंजन है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, इसको थोड़ा सा हमने रिस्टोर करके तैयार किया हुआ है। तो ये कैसा लग रहा है ये कमेंट करके हमें जरूर। ट्रॉली है वो 7 फीट वाला ट्रॉली है, क्योंकि इसमें ओरिजिनल ट्रॉली जो आता नहीं है 7 फीट वाला, तो इसमें हमने असेंबल ट्रॉली लगाया हुआ है 7 फीट वाला, और अच्छी क्वालिटी का, ऐसा नहीं है कि ये हल्का बॉडी है, वैसे ये अच्छा ही बॉडी है। और पीछे से भी आप देख लो कैसा लुक हमने इसमें बनाया हुआ है, थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह भी अलग अलग कलर से किया हुआ है। अंदर इसमें हमने 14 गैस की पूरी प्लेट वगैरह डली हुई है, वो भी आप देख सकते हो। अंदर से कलर भी हमने किया हुआ है इसमें ताकि जल्दी से जंग वगैरह ना आए। तो इसी तरह से पूरा जो ट्रॉली का काम है हमने किया हुआ है। ऊपर का जो बॉडी आपको दिख रहा है ये गाड़ी में पहले था, वही हमने रखा हुआ है कस्टमर की चॉइस के हिसाब से। इसमें जो ट्रॉली है वो कंप्लीट हमने कलर किया हुआ है, क्योंकि जब ट्रॉली आता है उसमें स्क्रैच वगैरह रहते हैं, तो उसको हमने पूरा रीपेंट करके इसको पूरा तैयार किया हुआ है। अंदर से नीचे से आपको दिखाऊं तो नीचे भी देखो, इसमें हमने अलग से सपोर्ट वगैरह दिए गए ताकि जल्दी से ट्रॉली है वो ख़राब ना हो। और पूरा चेसिस वगैरह नीचे से हमने पूरा कलर किया हुआ है। और यहाँ पर आपको व्हील कैप भी हमने लगा के दिए। अंदर जो डिश है उसको हमने सिल्वर कलर में कन्वर्ट किया हुआ है। तो ये पीछे का कुछ इसका पूरा वर्कराउंड है, कैसा लग रहा है ये कमेंट करके जरूर बताएं। फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। दोस्तों, ऐसी ही गाड़ी हम रिपेयरिंग वगैरह का काम करते हैं, अगर आपके पास ऐसी कोई गाड़ी पुरानी है जिसे आप रिपेयर करवाना चाहते हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्प्ले पर मिल जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही कुछ था, और नए वीडियो के साथ मैं जल्दी मिलने वाला हूँ। जो 2015 की बोलेरो पिकअप FB है उसको भी हमने तैयार किया, तो उसकी भी वीडियो कुछ ही दिनों में आने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।